বিয়োগ 200 অনলি 82,000 এমটি অনলি 135 135,000 में এমটি ঠিক স্যার জি স্যার অনলি 52,000 ইয়ামা ওয়াইবিআর সিফ 22,000 135 পালসার সিফ 28,000 বাজাজ ডিসকভার অনলি 26,000 বাইক মিলেগা চিপ এন্ড বেস্ট ডুয়ার্স বাইকিং সর্বশ্রেষ্ঠ हेलो एवरीवन। तो आज की ये जो वीडियो होने वाला है ना, मुझे पर्सनली इस वीडियो का बहुत ही ज्यादा इंतजार था, क्योंकि आज पहली बार अपने चैनल पे हम लोग दिखाने वाला है इतने सारे सेकंड हैंड बाइक की स्टॉक। और ये कहा है इतने स्टॉक तो भाई किसी किंग के पास ही हो सकता है। जी हाँ, सही समझे, आज हम लोग आए हैं माल बाजार में, डुअर्स बाइक किंग में। तो हेलो भैया। हेलो, क्या हाल है? हालचाल एकदम बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सही है। तो सबसे पहले ये बता दीजिए कि अगर किसी को आना है बाइक के लिए किंग के पास तो कहाँ आना पड़ेगा? डुअर्स बाइक किंग, वेस्ट बंगाल, जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट, माल बाजार, न्यू ईयर डाक बंगलो, नियर डाक बंगलो, जी जी, माल बाजार में है, जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट में। डुअर्स बाइक किंग नाम जरूर याद रखना। तो कौन सी बाइक से शुरू करेंगे? पहले लोएस्ट प्राइस से शुरू करते हैं। चलिए, ये वाला है ना? जी जी, ठीक है। क्या डिटेल्स है इसका? यामा YBR 2015 का मॉडल है। हाँ? कंडीशन एकदम वेरी गुड कंडीशन है। अच्छा। भाई इसका एकदम सस्ता लगा देंगे, ओनली 22,000 जी, एकदम सस्ता, ओनली 22,000 मॉडल है, कौन सी ईयर? 2015 का मॉडल है, फास्ट ओनर है। फास्ट ओनर, कितना किलोमीटर चला इसका? ये रनिंग है आपका 26, मतलब 26,000 रनिंग चला, 26,000 चला है, 22,000 में दे देंगे। जी जी, एकदम यामा का गाड़ी 2015 का मॉडल, एकदम ओनली 22,000 रुपया। भाई स्टार्टिंग तो बहुत ही तगड़ा हुआ है यहाँ पे। उसके बाद पल्सर 135, पल्सर 135 फर्स्ट मॉडल, फर्स्ट ओनर के साथ 2011 मॉडल है। अच्छा। इसको भी जबरदस्त डील देने वाले है, ओनली 28,000 में, 28,000 में पल्सर 135। ये पल्स, ये पहाड़ों का जबरदस्त बाइक है, फर्स्ट ओनर है ना? जी जी, फर्स्ट ओनर। उसके बाद डिस्कवर, बजाज डिस्कवर 125 मॉडल 2013 का है, फर्स्ट ओनर के साथ बाइक है। अच्छा। इसका भी रनिंग है 32,000 रनिंग। अच्छा। ये भी हम दे देंगे 26,000, ओनली 26,000, ओनली 26,000 में ये बाइक हो जाएगा। जी हाँ। तो भाई बहुत ही तगड़ा डील यहाँ पे चल रहा है, डुअर्स बाइक किंग है भाई, सब 30,000 के नीचे है, अंडर 30,000 में है। उसके बाद क्या डील है इसका? यामा SJ डबल R 2012 का मॉडल है। अच्छा। बाइक एकदम गुड कंडीशन में है, इसको और भी एकदम सस्ता में लगा देंगे, ओनली 22,000 में, 12 का। जी जी, 22,000 डबल R। जी जी। और फर्स्ट ओनर है, सेकंड ओनर? ये सेकंड ओनर, ये सेकंड ओनर है। कितना किलोमीटर लगभग चला इसका? ये किलोमीटर आपका हो गया 61,000। 22,000 में आपको ये मिल जाएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो नीचे भैया का नंबर आ रहा होगा, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, सेल्फ में। जी, सेल्फ में। उसके बाद R15 की शॉकिंग जो लोग है उनके लिए R15 यहाँ पे, क्या डिटेल्स है इसका? ये 2009 का मॉडल है, सेकेंड ओनर के साथ है। बाइक एकदम ओरिजिनल पेंट में है, फेस गाड़ी है, रनिंग कंडीशन में है, सेल्फ में गाड़ी रनिंग है। अच्छा। इसका प्राइस 35,000, ओनली 35,000। कितना किलोमीटर चला है? इसका रनिंग है आपका 55 के आसपास। अच्छा, 55 के आसपास। जी जी, सेकेंड ओनर के साथ। ठीक है। और आपके यहाँ पे रिफाइनेंस अवेलेबल है? जी हाँ, IDFC से हम लोग का यहाँ रिफाइनेंस हो जाता है, मेरा खुद का ही कोड है। अच्छा। जी, फाइनेंस हो जाएगा। और कौन कौन सी एरिया के अंदर करते हैं आप लोग ये? हम लोग का माल बाजार से 40 किलोमीटर के अंदर में ही रिफाइनेंस हो जाता है। माल बाजार में 40 किलोमीटर के अंदर ही रिफाइनेंस होगा, चाहे वो अलीपुर द्वार की डिस्ट्रिक्ट में पड़ेगा तो रिफाइनेंस होगा ना? कोशिश करेंगे करने, मतलब लॉगिंग करके। अच्छा, कोशिश करेंगे, उसके बाद ही पता चलेगा। जी, जी। उसके बाद चलते हैं स्कूटी के सेक्शन में, बहुत सारे स्कूटी यहाँ पे अवेलेबल है। तो क्या डिटेल्स है इसका? यामा रेजेट 2016 का मॉडल है, फास्ट ओनर के साथ है। इसका आपका रनिंग है ओनली 23,000 सोलह का मॉडल, फर्स्ट ओनर। ये भी जबरदस्त डील देने वाला है, ओनली 28,000 में सोलह का। जी, बहुत बढ़िया भाई, इसमें रिफाइनेंस होगा? 16 का मॉडल, 16 का मॉडल नहीं होगा, 2017 से स्टार्ट होगा रिफाइनेंस। ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद मस्ट्रो,
मेस्ट्रोएस 2020 का मॉडल, रेड कलर में, यूनिक कलर में है, फर्स्ट ओनर के साथ। हाँ। ये रिफाइनेंस भी अवेलेबल है। अच्छा। और इसका प्राइस पड़ेगा ओनली 48,000। 19 का मॉडल, 20 का, 20 का मॉडल। कितना किलोमीटर चला इसका? इसका रनिंग है 13,000 किलोमीटर। 13,000 20 का मॉडल, ठीक है। उसके बाद एक और मेस्ट्रोएस, मेस्ट्रोएस 2018 का मॉडल है, फर्स्ट ओनर के साथ 2018 का मॉडल है। इसका प्राइस पड़ेगा 42,000 में। और किलोमीटर कितना चला इसका? किलोमीटर इसका हो जाएगा आपका 32 आसपास, 32,000 के आसपास। अच्छा, 32,000 के आसपास किलोमीटर होगा, ठीक है। उसके बाद, उसके बाद डुएट है, कंडीशन में आई है। देखिए भैया, कंडीशन आगे से लेके एकदम पीछे तक एकदम बहुत ही अच्छा कंडीशन में है। देख सकते आपके सामने ही है भाई, जो भी कंडीशन है, बेस्ट कंडीशन में है। 2017 का मॉडल है। अच्छा, इसको भी हम सस्ता लगा देंगे, ओनली 35,000। 35,000 में 17 का डुएट जी, फर्स्ट ओनर, सेकंड ओनर, फर्स्ट ओनर, किलोमीटर सेकंड ओनर है। कितना किलोमीटर चला इसका? 35,000 के आसपास किलोमीटर, 35,000 के आसपास किलोमीटर चला है। सेकंड ओनर, 17 की मॉडल जी जी, ठीक है। उसके बाद डेस्टिनी, 125 2020 का मॉडल है। अच्छा, इसका इसका किलोमीटर आसपास होगा आपका 30 के आसपास किलोमीटर है। 30 का, 20 का मॉडल ना? हां, 20 का मॉडल, फर्स्ट ओनर। और 46,000 जी, 40,000 मॉडल जी जी, 46। बहुत बढ़िया भाई। और 20 का मॉडल में तो रिफाइनेंस हो जाएगा ना जी जी। डाउन पेमेंट कितना करना पड़ेगा? मैं एकदम बहुत ही कम मार्जिन रख के मैं सेल कर देता हूँ ओनर अकेला। हाँ। फर्स्ट मतलब जितना भी मेरे यहाँ जितना भी कस्टमर आते हैं, ज्यादातर कस्टमर का कमेंट भी आप एकदम ठीक ठाक रिजनेबल दाम में देते हो, ऐसे बोल के बोलते हैं, तब जाके मुझे बहुत खुशी लगता है कि ठीक दाम में। वो तो सही है, वो सेटिस्फेक्शन अलग होता है। लेकिन कोई अगर डेस्टिनी में रिफाइनेंस करना चाहे, रिफाइनेंस करेंगे तो 20,000 लेके आएगा, बाकी का रिफंड, बाकी का एकदम लोन हम बाकी करा देंगे। बहुत बढ़िया भाई। उसके बाद देखो, और डेस्टिनी 125 क्या डिटेल्स है इसका? 2019 का मॉडल है, सेकेंड ओनर के साथ है। अच्छा, कंडीशन बहुत ही अच्छा है, एकदम ओरिजिनल पेंट में है और बहुत ही अच्छा सुंदर कंडीशन में है। 46,000 में कर देंगे, सिर्फ 46,000 जी। 19 का मॉडल जी जी, 20, हाँ सॉरी, 19 का मॉडल, 19 का मॉडल। और किलोमीटर है आपका 36,000 किलोमीटर, 36,000 के करीब किलोमीटर चला है। उसके बाद एक और डेस्टिनी भाई, डेस्टिनी खत्म ही नहीं हो रहा है यहाँ पे, एक और डेस्टिनी, क्या डिटेल्स है इसका? एक्चुअली डेस्टिनी बहुत सारा कस्टमर का डेस्टिनी का रिक्वायरमेंट रहता है ना। एक्चुअली मॉडल एकदम करेंट मिलता है और ऊपर से सस्ता मिलता है, रीजनेबल प्राइस में मिलता है, ठीक है। क्या डिटेल्स है इसका? ये 2018 का मॉडल है, फर्स्ट ओनर के साथ। इसका किलोमीटर आपका 30 के आसपास है। अच्छा, इसका प्राइस लगा देंगे ओनली 38,000। 18 का मॉडल, 38,000 में जी, फर्स्ट ओनर जी। और 18 के मॉडल में तो रिफाइनेंस हो ही जाएगा। हाँ, रिफाइनेंस एकदम अवेलेबल, ठीक है। और इंटर की काफी रिक्वायरमेंट रहता है, इंक्वायरी आती है हमारे पास, तो इंटर यहाँ पे अवेलेबल है। क्या डिटेल्स है इसका? रेड कलर में 2019 का मॉडल है, फर्स्ट ओनर के साथ। हाँ, स्कूटी बहुत ही अच्छा कंडीशन में है, किलोमीटर इसका 22,000 आसपास है। अच्छा, प्राइस पड़ेगा 62,000। 62,000 ओनली, ओनली 62,000। और कौन सी ईयर की है ये? ये 2019 लास्ट का है, 62,000 में। और इसमें भी रिफाइनेंस हो जाएगा और ये प्राइस नेगोशिएबल है जी, थोड़ा बहुत नेगोशिएबल है ये प्राइस। उसके बाद फैसिनो, यामा फैसिनो 2016 मॉडल है। अच्छा, फर्स्ट ओनर के साथ है, कंडीशन एकदम अच्छा ही है। इसका प्राइस पड़ेगा ओनली 32,000। 16 की मॉडल फैसिनो, फर्स्ट ओनर के साथ, 32,000 प्राइस है। और किलोमीटर कितना चला है इसका लगभग? किलोमीटर इसका है 33,897। अच्छा, मतलब 34,000 के करीब ये किलोमीटर जी चला जी, ठीक है। उसके बाद अगर आपको इससे भी कम बजट में, कम सीसी में गाड़ी चाहिए तो XL 100 यहाँ पे जी जी, XL 100 जो फ्री वाला करते हैं ना। हाँ, बहुत ही ज्यादा वो लोग का डिमांड है। हाँ, इसीलिए बहुत ही मेहनत करके वो लोग के लिए मैंने ढूंढ के लाया। अच्छा, बहुत ही अच्छा कंडीशन में, फास्ट ओनर के साथ, A2Z कंडीशन एकदम जबरदस्त है, एकदम कंडीशन। इसका प्राइस पड़ेगा, 2022 का मॉडल है, ओनली 45,000। 22 का मॉडल 45,000 में, फर्स्ट ओनर, फर्स्ट ओनर। किलोमीटर, किलोमीटर इसका है आपका 10,590। अच्छा, 10,600 के करीब ये किलोमीटर चला है ना जी जी, ठीक है। उसके बाद इधर तो गया स्कूटी का सेक्शन, अभी चलते हैं कुछ हाई सीसी में, जो यूथ को काफी टारगेट करता है, यूथ की जो तलाश रहता है यहाँ पे। सबसे पहले NX 200, क्या डील? NX 200 2012 का मॉडल है, फर्स्ट ओनर के, सॉरी सेकंड ओनर के साथ है। 12 का मॉडल, कंडीशन बहुत ही अच्छा, बेहतरीन कंडीशन में है। इसका प्राइस लगा देंगे ओनली 55,000।
55,000 में 12 का एनएस जी, और फर्स्ट ओनर सेकंड ओनर है ना, सेकंड ओनर है, सेकंड ओनर। किलोमीटर कितना चला है लगभग? किलोमीटर ये 55,000 के आसपास है। अच्छा, 55,000 के आसपास है। उसके बाद जिनको टूरिंग करना पसंद है, एडवेंचर बाइक चाहिए उनके लिए, एक्सपल्स 200 क्या डिटेल्स है? ये 2022 का मॉडल है। अच्छा, इधर किट भी लगा है? जी जी, किट भी लगा है, एक्सेसरीज अलग से लगा हुआ है। अच्छा, 2022 का मॉडल, और इसका प्राइस पड़ेगा 1,18,000। 1,18,000 फर्स्ट ओनर जी जी। और किलोमीटर लगभग? किलोमीटर इसका 11,000 किलोमीटर है, सिर्फ 11,000 किलोमीटर बाइक का मॉडल। भाई अगर आप एक्सपल्स ढूंढ रहे हैं वो भी बेहतर कंडीशन में, तो नीचे आए नंबर से भैया से बात कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद इससे बड़ा जो बीस रहता है R15, यहाँ पे क्या डिटेल्स है? ये R15 ब्लू कलर में 2020 का मॉडल है। अच्छा, बहुत ही अच्छा कंडीशन में है, फर्स्ट ओनर के साथ। और इसका प्राइस पड़ेगा 1,22,000। 1,22,000 में जी, जी, R15 3 फर्स्ट ओनर के साथ। फर्स्ट ओनर के साथ, बहुत बढ़िया भाई। यहाँ पे और 1,22,000 आपने प्राइस बोला जी जी, इसमें रिफाइनेंस होगा? जी रिफाइनेंस हो जाएगा। डाउन पेमेंट करना पड़ेगा? डाउन पेमेंट 45 से 50 के आसपास में। अच्छा, 45 से 50 के आसपास आपको डाउन पेमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे यामा फिजर 2014 का मॉडल है, इसको जबरदस्त डील देने वाले। अच्छा, ओनली 38,000 में दे देंगे 14 का। ले जाइए, जितना भी व्यूअर्स है जिसका बाइक का शॉकिंग है, एकदम सस्ता दाम बोल दिया है, ले जाइए। फर्स्ट ओनर है, ओनली 38,000 में फेजर। अगर इंटरेस्टेड हो कंडीशन दे सकते हैं, दोनों टायर नया है, बॉडी भी फ्रेश है। टायर भाई सामने वाला एकदम ब्रांड न्यू है, टायर सामने देख रहा हूँ। और जिक्सर का भी इंक्वायरी आया हमारे पास, तो यहाँ पे जिक्सर भी अवेलेबल है, क्या डिटेल्स है? 2015 का मॉडल है, फर्स्ट ओनर के साथ, कंडीशन बहुत ही अच्छा, जबरदस्त कंडीशन है। हाँ, इसको भी जबरदस्त डील देने वाले, ओनली 52,000 में दे देंगे, 52,000 में। 52,000 में जिक्सर जी, 52,000 में कंडीशन, फर्स्ट ओनर जी, फर्स्ट ओनर। और किलोमीटर कितना चला लगभग? किलोमीटर इसका 30 के आसपास है, 30 के आसपास किलोमीटर चला है, ठीक है। उसके बाद लेजेंडरी 220F, क्या डिटेल्स है? 220 ब्लैक कलर में 2015 का मॉडल है। अच्छा, इसका किलोमीटर 45,000 के आसपास है, कंडीशन बहुत ही अच्छा कंडीशन में, इसको भी एकदम सस्ता लगा देंगे। कितना? ओनली 55,000, 55,000। 55,000 में 15 का 220, 15 की मॉडल में रिफरेंस नहीं होगा? नहीं होगा, इस ये कैश में ही डील करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हीरो इग्नाइटर, इग्नाइट 2016 का मॉडल, फर्स्ट ओनर के साथ। अच्छा, ओनली 32,000, 32,000 16 का मॉडल जी, फर्स्ट ओनर के साथ। हाँ जी, और कितना किलोमीटर लगभग चलाइए? ये लगभग आपका होगा 35 के आसपास, 35,000 के आसपास किलोमीटर चला है, 16 की मॉडल है। कंडीशन देख सकते हैं, दोनों टायर नया दिख रहे हैं, बॉडी में फ्रेश दस अचक डील चल रहा है भाई। डुआर बाइकिंग में अगर आप डुआर से और बाइक ढूंढ रहे हैं एकदम कम बजट में, आपके बजट में, अंडर बजट में, तो डुआर बाइकिंग जरूर विजिट करें। उसके बाद MT, क्या डिटेल्स है? MT फर्स्ट ओनर के साथ 2020 का मॉडल है, कंडीशन बहुत ही अच्छा, और टायर भी देख सकते हैं, बॉडी फ्रेश है। इसका प्राइस लगा देंगे 1,35,000, 1,35,000 में जी। MT फर्स्ट ओनर जी, फर्स्ट ओनर। कितना किलोमीटर चला है ये? किलोमीटर आपका 17,000 के आसपास किलोमीटर रनिंग है। अच्छा, और इसको लोन आपका अगर रीफाइनेंस कराएंगे तो 80 से 85,000 तक लोन हो जाएगा, 80 से 85,000 तक हो जाएगा, 40 से 45,000 लेके आने से बाइक ले सकते हैं। और ओनरशिप चेंजेस का जो बात होता है, क्या बायर को पैसा देना पड़ता है या फिर आप लोग ही करवा के देंगे? जो जितना भी हम लोग बाइक का दाम बोला है उसमें से नाम ट्रांसफर चार्ज अलग सा है। अच्छा, उसके लिए आधार कार्ड, वोट कार्ड, जेरॉक्स लेके आना पड़ेगा, हम लोग यहीं से करवा देंगे। और अमाउंट कितना लगता है? अमाउंट आपका 3,000 के आसपास, 3,000 के आसपास अमाउंट लगता है। 80 मतलब अलग अलग सीसी का अलग अलग अमाउंट रहता है। अच्छा, अगर लो एकदम ज्यादा पुराना बाइक अगर लेते हैं उसका आपका 2,200-2,500। जैसे अलग पहले जो बाइक दिखाया उसमें 2,200-2,500 ऐसा लगता है ना, और इन सारे बाइक में 3,000 के आसपास। जितना सीसी बढ़ेगा उतना रेट भी थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा। उसके बाद जिनको ड्यूक की तलाश है तो यहाँ पे ड्यूक का ऑप्शन, क्या डिटेल्स है? ड्यूक 2016 का मॉडल है, कंडीशन बहुत ही अच्छा कंडीशन में, 200 है। अच्छा, 16 का सेकंड ओनर, प्राइस पड़ेगा इसका ओनली 82,000, 16 का ड्यूक 282,000 में आपको मिलेगा, सेकंड ओनर जी, सेकंड ओनर। कंडीशन आप लोग देख सकते हैं। और कितना किलोमीटर लगभग चला ये आपका? 35 के आसपास, 35 के आसपास ये किलोमीटर चला है। उसके बाद ब्लैक कलर में RTR 164B, क्या डिटेल्स है? ये 4B RTR ब्लैक कलर में, फर्स्ट ओनर के साथ, 2019 का मॉडल है। इसका प्राइस पड़ेगा 72
फर्स्ट ओनर के साथ रीफाइनेंस अवेलेबल, रीफाइनेंस अवेलेबल ना, 72,000 प्राइस पड़ेगा। उसके बाद ब्लू कलर में, ब्लू कलर में ये भी 2019 का मॉडल है, ये भी फर्स्ट ओनर के साथ कंडीशन बहुत ही अच्छा बेहतरीन कंडीशन में है। इसका प्राइस पड़ेगा 68,000 में ब्लू कलर के आरटीआर 164। ये भी रीफाइनेंस अवेलेबल है, रीफाइनेंस हो जाएगा इसमें, ठीक है। उसके बाद जिनको एनफील्ड की तलाश है 350 क्लासिक, क्या डिटेल्स है? ये 2013 का मॉडल सिल्वर कलर में है, फर्स्ट ओनर के साथ। इसका ओनली पड़ेगा 75,000, 13 का मॉडल फर्स्ट ओनर के साथ। किलोमीटर कितना चला है लगभग इसका? किलोमीटर इसका आपका है 19,561। अच्छा, 19,500 के करीब ये किलोमीटर चला है जी। इसमें तो रिफाइनेंस नहीं होगा, 13 की मॉडल, 13 का मॉडल कैसे नहीं होगा? मतलब रीफाइनेंस 17 की ऊपर की मॉडल में ही होता है ना, बुलेट का हो तो 2016 से ऊपर का रीफाइनेंस हो जाए, बुलेट में 16 की ऊपर का। उसके बाद एक और यहाँ पे ब्लैक कलर में, ये ब्लैक कलर में बहुत ही अच्छा फेस कंडीशन में है, 2012 का, ये 12 का है, कंडीशन जबरदस्त। और इसका रनिंग है आपका 29,863। अच्छा, लगभग 30,000 के करीब किलोमीटर चला है, फर्स्ट ओनर, मेंटेन किया हुआ बाइक है। और प्राइस बता दो, प्राइस इसका पड़ेगा ओनली 72,000, 72,000 में 12 का मॉडल, हाँ, बुलेट, फर्स्ट ओनर, बुलेट, ड्वार्फ बाइकिंग में बुलेट मिल रहा है, देख सकते हैं। अगर एकदम इंटरेस्टेड हो तो नीचे नंबर से भैया से बात कर सकते हैं। इतने प्राइस में आपको 350 क्लासिक मिल रहा है, यहाँ पे आप सिल्वर लो या फिर ब्लैक लो, आपकी मर्जी। उसके बाद अगर आपको बुलेट नहीं चाहिए तो यहाँ पे 150 स्ट्रीट, क्या डिटेल है? एवेंजर 150 सीसी, फर्स्ट ओनर, कंडीशन बहुत ही अच्छा कंडीशन में है, इसको भी सस्ता लगा देंगे। कितना? 48,000 में जी। और कौन सी ईयर की बताया आपने? ये 2016 का, 16 का है जी। मतलब 48 में रिफाइनेंस तो नहीं होगा, कैश में ही ड्यूल होगा, इसलिए प्राइस भी भैया ने थोड़ा सा सोच समझ के रखा है, ताकि आप लोग यहाँ से वापस घूम के ना जाओ। अगर आप इससे खुश नहीं है तो फिर 220 क्रूज है ना अपने पास, क्या डिटेल्स है भैया इसका? क्रूज 2017 का मॉडल है, रीफाइनेंस अवेलेबल है। इसका पड़ेगा प्राइस आपका 55,000 में, 17 का, 20,000 लेने से बाकी हम लोन करवा देंगे। सिर्फ 20,000 रुपए लाओ और ये 17 की 220 क्रूज हो जाएगा आपका। और ये फर्स्ट ओनर में है ना जी? सेकंड ओनर में है। और कितना किलोमीटर लगभग चलाइए? ये आपका 35 के आसपास है, 35 के आसपास, ठीक है। उसके बाद चलते हैं थोड़ा सा नीचे की तरफ, मतलब अंडर सीसी सेगमेंट में, तो क्या डिटेल्स है इसका? यामा AZ RR 2013 का मॉडल है। अच्छा, ये ओनली पड़ेगा 35,000, 13 की फेस और बहुत ही अच्छा कंडीशन है, देख सकते हैं। अच्छा, और ये ओनरशिप क्या है, फर्स्ट ओनर सेकंड ओनर है? ये फर्स्ट ओनर के साथ, ये फर्स्ट ओनर 13 की मॉडल, जी जी, बहुत बढ़िया भाई, मेंटेन किया हुआ बाइक था। उसके बाद पैशन, पैशन 2016 का मॉडल, फर्स्ट ओनर, ये भी फर्स्ट ओनर, जी फर्स्ट ओनर, 16 का, ओनली 35,000। ये मार्केट में बहुत डिमांड है, माइलेज वाला ये बाइक है, जिनको माइलेज वाला बाइक चाहिए भाई उनके लिए पैशन यहाँ पे अवेलेबल है। और भी कई सारे ऑप्शन यहाँ पे आपको मिलेगा, जैसे कि पल्सर हो गया, डिस्को बार हो गया, ये सारा ऑप्शन आपको डुअर्स बाइकिंग में मिलेगा। अगर आपको इस शोरूम पे किसी भी प्रोडक्ट के बारे में जानकारी चाहिए तो नीचे नंबर से आप भैया से बात कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन भी चेक कर सकते हैं। तो आज की शोरूम की आखिरी जो बाइक है हमारे पास वो है SS125, क्या डिटेल्स है इसका? यामा SS125, सेकंड ओनर के साथ। अच्छा, ओनली 22,000, सिर्फ 22,000 जी, सेकंड ओनर के साथ, जी जी, 2015 का मॉडल है, 15 का मॉडल है, 22,000 में आपको मिल जाएगा, रिफाइनेंस नहीं होगा, थोड़ा बहुत नेगोशिएबल हो जाएगा प्राइस। और भैया जो लोग हमारे चैनल की तरफ से आएंगे क्या डिस्काउंट रहेगा? आपका चैनल का तरफ से आएंगे ओले के लिए वॉशिंग पॉलिश फ्री, अच्छा, मोबिल डाल देंगे हैंड टू हैंड, अच्छा, मतलब उनके सामने ही हो जाएगा जी, उसका सामने करके फुल बॉडी सर्विसिंग सब कुछ जी बाहर के सामने हो जाएगा। तो बाइक्स तो हमने दिखा दिया, अभी चाहिए होगा आपको हेलमेट, है ना? तो बाहर जाने की क्या जरूरत है भाई, भैया ही डील करते हैं हेलमेट में, है ना भैया? जी जी, चलो आ जाओ, देखते हैं क्या क्या हेलमेट है इधर, काफी कलेक्शन है भाई हेलमेट का। इधर हो भैया, आ जाओ, हेलमेट के बारे में बता दो, कौन कौन से हेलमेट में डील करते हो आप? मेरे यहाँ पे सारे मॉडल्स है, O2 का होगा, स्टील बार होगा, VBR का होगा, ये जितना भी देख सकते हैं। इधर दिखाओ भाई, कैमरा बना के इधर दिखाओ, घुमा के इधर दोनों तरफ, बढ़िया बढ़िया हेलमेट दिख रहा है, O2 है, स्टील बार है, भी भाई हेलमेट का लवर से, हाँ, सभी के लिए सोच समझ के हेलमेट, सभी के लिए
सभी टाइप के हेलमेट हमने रखा है यहाँ पे, और हेलमेट की स्टार्टिंग प्राइस क्या आपके यहाँ पे? मेरे यहाँ स्टार्टिंग प्राइस 300 से स्टार्टिंग प्राइस है, 300 से लेके 3000 तक, 300 से लेके 3000 तक हेलमेट आपको मिल जाएगा कहाँ? डुअर्स बाइक किंग में, और 22000 से लेकर 1,00,000 रुपए तक। अपना सपना पूरा करो, डुअर्स बाइक किंग विजिट करो, बाइक मिलेगा चीप एंड बेस्ट, डुअर्स बाइक किंग सर्वश्रेष्ठ। और बाकी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना भाई, डील आपको कैसा लगा, बाइक से आपको कैसी लगी, प्राइसिंग कैसा लगा, हेलमेट कैसा लगा। और बाकी वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर ना तो सब्सक्राइब कर देना, और फेसबुक पे देख रहे हो तो फॉलो जरूर कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।